हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मनाली हंटर में। और आज मैं आ चुका हूँ रोहतांग पास। आप जैसा देख सकते हैं लाइव स्नोफॉल चालू है। तो ये रही मेरी गाड़ी और मैं हूँ इस टाइम रोहतांग पास पे, जहाँ धुआंधार स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरी पूरी गाड़ी बर्फ़ से कवर हो चुकी है और जल्दी यहाँ पे अभी थोड़ी देर में पूरा वाइट स्नो से पैक हो जाएगा रोहतांग पास, जहाँ टूरिस्ट बर्फ़ देखने के लिए तरस रहे थे। अब अक्टूबर के महीने में आपको यहाँ पे चारों तरफ फुल ऑन स्नो मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। तो आगे देखते हैं। तो दोस्तों, मैं बैठा था अपनी गाड़ी के अंदर और फिर हुआ वो जिसका सबको इंतज़ार था, स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है। वो देखिए, टूरिस्ट ऊपर घोड़ों पे जाते हुए और इस और ये है मेरी गाड़ी के बाहर का आधे घंटे बाद का व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं, चारों तरफ बाहर स्नो जमने लगी है, अच्छी खासी आज बर्फ़बारी हुई है रोहतांग पास में। आप लोग अगर आप आएंगे तो आपको रोहतांग पास में अच्छा स्नो देखने को मिलेगा। और बाकी थैंक यू फॉर माय प्रीवियस वीडियो को, आप लोगों ने इतना देखा, इतने सारे कमेंट किए, मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये देखिए, जो लोग घोड़े से ऊपर गए थे वो वापस आए हैं तो पूरा वाइट हो चुका है। और तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और प्लीज़ बने रहिए वीडियो में और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बनाता रहूं। ये रोहतांग पास में सेकंड टाइम है जो स्नो फॉल हुआ है और इस बार पिछली बार से ज़्यादा स्नो फॉल हुआ है, क्योंकि जब मैं पिछली बार आया था तो स्नोफॉल आधे एक घंटे ही हुआ था, उसके बाद बंद हो गया था। पर इस बार स्नोफॉल अच्छा हुआ है रोहतांग पास में। जितने भी टूरिस्ट थे सारे खुश हो गए हैं। जिन लोगों को बर्फ़ की उम्मीद नहीं थी, उन लोगों को बर्फ़ मिल गई है, जिसकी वजह से सब लोगों को मज़ा आ गया है आज बर्फ़ देखकर। आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी के बाहर का व्यू। मैंने अपनी गाड़ी के वाइपर चला रखे हैं क्योंकि ताकि शीशे पे हीट ना पड़े। और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ है। ये देखिए मेरी गाड़ी का शीशा, वाइपर ऑन करना पड़ेगा मुझे मेरी गाड़ी का। ये देखिए बाहर गाड़ियों पे फुल ऑन स्नो जमी हुई है। अगर आप लोग अक्टूबर में मनाली आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, इस टाइम यहाँ आने का बेस्ट टाइम है। क्योंकि अगर आप लोग रोहतांग पास अक्टूबर में आएंगे तो यहाँ पे आपको लाइव स्नोफॉल देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि अगले महीने रोहतांग 15 नवंबर से क्लोज़ हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को रोहतांग पास के दीदार नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और कुछ भी पूछना हो या कुछ भी जानकारी चाहिए हो आपको मनाली के रिकॉर्डिंग, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मनाली घूमना हो तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि मैं आपकी जितनी मदद हो सके कर पाऊँ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मनाली हंटर। बाय।